हेलो डियर स्टूडेंट, तो अब हम हमारे केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। उसमें रिवीजन लेक्चर में हमको किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वो सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरा इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। देख लेते पहले एक एक क्वेश्चन देखते बच्चों, हम लोग अब एक एक करके क्वेश्चन देते देखते रिवीजन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, कौन से? IF5 सेकेंड, Cl(I)-, थर्ड आपको दिया गया बेटा यहाँ पर XeO2F2, फोर्थ आपको दिया गया यहाँ पर NH2-, ठीक है। फिफ्थ आपको दिया गया यहाँ पर BCl3, सिक्स आपको दिया गया बच्चों यहाँ पर BeCl2, सेवन्थ आपको दिया गया यहाँ पर AsCl4+, एट्थ आपको दिया गया यहाँ पर BOH3+, ठीक है। नाइन्थ आपको दिया गया यहाँ पर कौन सा? NO2-, और टेंथ आपको दिया गया है ClO2+, ठीक है। ये आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। अब आपको बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x plus y minus z, ठीक है। अब देखो x क्या होता है बच्चों, यहाँ पर x, यहाँ पर समझना है x plus y minus z, here x y z आर टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन यहीं पर लिख देता हूँ, इन गिवन कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम एक्स क्या है, कंपाउंड विच इज कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम यूज्ड 3p ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब आपका x क्या है, x में आपका वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम ने कितने तीन पी और ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ किए हैं, ठीक है। y आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर y आपका है कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम यूज्ड 2p ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। z आपका क्या है बच्चों, z आपका यहाँ पर है कंपाउंड इन विच यूज्ड ओनली 1p ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली 1p और ऑर्बिटल आपका यूज़ किया गया है, वो सारी वैल्यू है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कितने तरीके होते हैं पहले हम उसकी थियोरी कंसेप्ट पे समझ लेते हैं। थियोरी कंसेप्ट क्या चीज़ चलने वाला है हमारा, थियोरी कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए क्या थियोरी हमको लेके चलना पड़ेगा, सबसे पहले हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने बात किया, यहाँ पर बोला है कि कितने पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में
पास हुए, मतलब sp3 है, sp3 में 3p और ऑर्बिटल, sp2 में आपके 2p और ऑर्बिटल, और sp में आपके 1p और ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसी तरीके से हमको थियोरी में हम समझ लेते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करने के कितने मेथड है बच्चों? देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट मेथड इज पहला मेथड हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड सेकेंड मेथड इज वॉट, फाइंड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 8 कर दो। उसको क्या कर दो बच्चों? डिवाइडेड बाई 8 कर देना है। तब जो आपका क्वोशेंट बचेगा, क्या बचेगा आपका? क्वोशेंट बचेगा। अब यहाँ से आपका क्या बचने वाला है बच्चों? क्वोशेंट बचने वाला है और रिमाइंडर बचेगा। अब क्या करोगे? रिमाइंडर को डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। रिमाइंडर को क्या कर दोगे बच्चों आप लोग? डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे रिमाइंडर को। और जैसे ही डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर, और ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन पेयर। जो आपका क्वोशेंट होगा वो टोटल नंबर ऑफ बॉन पेयर होगा, और अब ये आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कैसे निकलेगा? अब देखो ये वैल्यू Sn के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? Sn के। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी Sn इक्वल टू बोन पेयर प्लस लोन पेयर, ये वाली वैल्यू भी आपके Sn के इक्वल आएगी, ठीक है। अब Sn हमको क्या बताता है? Sn हमको जनरली यहाँ पर ये बात बताता है कि Sn से how many orbital participate in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो हमको बता देता है। जैसे देखो अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैंने Sn की वैल्यू कितनी मान ली बच्चों, Sn की वैल्यू मैंने मान ली बच्चों यहाँ पर 2, Sn की वैल्यू मैंने कितनी मान ली 2, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों? यहाँ पर आपके 2 ऑर्बिटल आपके कौन से? sp ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैंने Sn की वैल्यू मान ली 3, तो कितने ऑर्बिटल? 3, एक s, 2p। अगर मैंने Sn की वैल्यू मान ली 4, तो कितने हो जाएंगे? एक s, 3p। अगर मैंने Sn की वैल्यू मान ली 5, तो क्या हो जाएगा? sp, 3d, ठीक है। अगर मैंने Sn की वैल्यू मान ली कितनी? 6, तो क्या हो जाएगा? 6 ऑर्बिटल, एक s, 3p, 2d, टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल? 6। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इससे जो ये तो आपके क्या है, ये वाला पॉइंट वाला साइड्स आपका, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो अब हमको एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एक एक करके। तो सबसे पहले बोलो IF5 का कैसे निकलेगा? IF5 का निकालो। IF5 का हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैं आधे क्वेश्चन इस मेथड से करूँगा, आधे क्वेश्चन इस मेथड से करूँगा। आप लोग दोनों मेथड को लगा लगा के एक एक बार चेक करिएगा। इस मेथड का बेनिफिट क्या है कि इसमें हमको नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी आपको पता पड़ जाते हैं। चलो देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे डील। इस क्वेश्चन को डील हम कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर Sn निकालते हैं। Sn क्या होगा बेटा? हाफ प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम आपका हमेशा वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, ठीक है जी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लेस होती है, और वो एक ही अमाउंट में रहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा सेंट्रल एटम कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। जनरली तो आपका वही होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर,
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है जनरली वही होते हैं। ये सारे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, वो सारे के सारे आपके क्या है बच्चों, सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर SN इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, यहाँ पर कितने मोनो एटोमिक 7 है, 7 मोनो एटोमिक, यहाँ पर कैटायन, कैटायन क्या है, कैटायन मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई एनायन भी नहीं है, तो कितना हो गया 5 प्लस 7 7 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 12 बाई 2 कितना हो गया बेटा आपका 6, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 6। ये मैंने इस मेथड से किया है, ये मैंने इस मेथड से किया है, आप दोनों मेथड एक बार लिख लीजिए, मैं इसको रब करके फिर मैं दोनों मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है ना, दोनों मेथड से आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो SN इक्वल टू 6 होगा तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 6 होगा तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आप लोग बताओ, 6 होगा तो आपका कौन सा होगा, sp3d2, यहाँ पर sp3d2 लिख दिया। अब यहाँ पर एक और तरीका था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है ना, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इसे इसका, देखो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इसका, और ये यहाँ पर भी आपका हेलोजन है तो 5 हेलोजन का, एक हेलोजन का 7 होता है तो 5 हेलोजन का आपका कितना होगा बच्चों, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 3 इंटू 7 5 इंटू 7, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 35 प्लस 7 मतलब कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 42, तो आपका वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैं क्या करूँगा बच्चों डिवाइडेड बाई 8 कर दूँगा, क्या कर दूँगा डिवाइडेड बाई 8 कर दूँगा, जब मैं डिवाइडेड बाई 8 कर दूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया बच्चों ये आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 और ये कितना हो जाएगा 2, रिमाइंडर को मुझे किससे डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, दिस इज़ अ 1 इज़ अ वॉट लोन पेयर और 5 इज़ अ वॉट बोन पेयर, तो आप देख सकते हो आप कि इस एटम के लिए लोन पेयर प्लस बोन पेयर कितना आया, लोन पेयर प्लस बोन पेयर कितना आया बोलो, यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, तो ये आ गया आपका। अभी मैं कुछ एलिमेंट के लिए दोनों से निकालूंगा और बचे हुए रिमेनिंग में आपको लगाने हैं, बचे हुए रिमेनिंग आपको करने दोनों में था। ठीक है, देखो यहाँ पर अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर Cl(I4-) हम कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों, देख लेते हैं इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे मैं एक्चुअली इंटीजर टाइप लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, Cl(I4-), तो SN निकालो 1/2, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका होगा 5। ठीक है, 4 आपके मोनो एटॉमिक आपके VMC लिखाया था ना मैंने आपको, मैंने आपको 1/2 × VmC + A लिखाया था, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, M का मतलब मोनोवेलेंट साइड एटम, मोनोवेलेंट साइड एटम। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैटायन, और ए का मतलब क्या होता है, एनायन, ये तरीका याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मोनोवेलेंट है, ये हो गया, अब यहाँ पर कैटायन है कि एनायन है, कैटायन है, इन दोनों का हमेशा क्या लेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड लेना है, इन दोनों का हमेशा क्या लेना है बच्चों, मैग्नीट्यूड लेना है, कभी भी आप लोग इसको एक्स्ट्रा नहीं करोगे, हमेशा इन दोनों का क्या लोगे, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर +1, टोटल कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 10/2 मतलब 5, और इसके लिए आपको ये वाला मेथड आपको खुद ही करना है, इसके लिए आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मेथड आपको खुद करना है इसके लिए। ठीक है, तो 5 के लिए इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आपका होगा बच्चों, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d, देखो स्टेरिक नंबर 5 के लिए मैंने लिखवाया sp3d। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग है ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मेथड को कर लेंगे यूज़। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मेथड को कर लेते हैं यूज़। इसमें तुमको इस तरीके से करना है, इसमें आपको इस तरीके से करना है, इन दोनों में आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मेथड को करना है यूज़। इसमें मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कर रहा हूँ, ये आपको निकालना है खुद से। ठीक है ना, देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, एक्सी में 8 होते हैं, ऑक्सीजन में 2 × 6 होते हैं, यहाँ पर 2 × 7 होते हैं, कितने हो गए टोटल 14।
ठीक है, 14 प्लस यहाँ पर 12 हो गए, 12 में मैंने 8 से जोड़ दिया, कितने हो गए बच्चों ये आपके 12 प्लस 8 कितने हो गए 20 प्लस 14 कितने हो गए 34। अब देखो 34 यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, 34 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू कितना होगा बच्चों यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका बोन पेयर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका लोन पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोन पेयर प्लस लोन पेयर कितने आ गए बच्चों 5, और जब आपका बोन पेयर प्लस लोन पेयर अगर आपका 5 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा SP3D, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर SP3D, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें लगा देते हैं हम ये वाला मेथड, और ये बात ध्यान रखना जनरली आप लोग हाइड्रोजन वाले में आप यही वाला मेथड लगाओगे, ये वाला मेथड कभी भी यूज़ नहीं करोगे, हाइड्रोजन वाले में आप इसी मेथड को अप्लाई करोगे जिसमें साइड एटम क्या हो बच्चों हाइड्रोजन हो, उसमें आप इस मेथड को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो देख लेते बच्चों यहाँ पर SN इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, ये 5 में आप कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका होगा लेकिन उसको बताने से अच्छा है कि आप उस वो चीज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर एनायन है कि कैटायन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो एनायन है, क्या है यहाँ पर एनायन है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर प्लस 1 टोटल कितना हो गया 8 बाई टू मतलब यहाँ पर हो गया 4। अब ये वाला मेथड इसमें लगाना ही नहीं है आपको, बताओ इसका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 के लिए SP3 क्या हो जाएगा बच्चों SP3। अब इसमें आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, इसमें आप ये वाला लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, तो दोनों लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों बोरोन में, आपको दोनों निकालने हैं, आपको ये वाला लगाना है इसमें, ठीक है ना, मैं वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बताओ कैसे करेंगे, देखो बोरोन का कितना होगा 3 और क्लोरीन का 3 × 7, ठीक है 3 × 7 कितना हो गया 21 + 24, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 करो कितना आ गया बच्चों 3, और कितना आ गया 0, 0 रिमाइंडर बचा, मतलब ये क्या हो गया लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका बोन पेयर। तो LP plus BP आपका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, और 3 आते ही इसका मतलब आप क्या समझोगे, 3 आते ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों यहाँ पर SP2। अभी हम एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका SP2। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगला देख लेते हैं, अगला इस मेथड से निकालते हैं। अब देखो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बी में वैलेंस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो बताओ जल्दी से बी में कितने होंगे आपके 2 मोनोवेलेंट, 2 ना कोई एनायन है ना कोई कैटायन है, तो ये 0, तो कितना हो जाएगा 4 बाई टू मतलब 2 का मतलब ये वाला मेथड आपको लगाना है, इसका हो जाएगा SP, इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों SP। अब यहाँ पर इस पर निकालना है तो इस पर कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है, इसका हम TVE से निकालते हैं, ठीक है ना, और आर्सेनिक का कितना होगा बच्चों यहाँ पर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे आर्सेनिक के, तो 5 प्लस क्लोरीन में कितने होंगे 4 है, तो 4 × 7, और ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, तो -1 कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी बता दो, इसका टोटल वैलेंस आपका हो जाएगा ये 28 + 4 मतलब 32 हो गया, तो TVE/8 कर दोगे तो 32/8 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 और रिमाइंडर 0, इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा लोन पेयर, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों बोन पेयर, तो लोन पेयर प्लस बोन पेयर कितना हो जाएगा, बोन पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 4 हो जाएगा, जब ये आपका यहाँ पर 4 हो गया तो इसका मतलब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बच्चों SP3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका
sp3। अब ये तीन आप लोगों के होमवर्क है, इसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। एक बार मैं NO2 का बता देता हूँ इस मेथड से। अब आप लोग एक बार इसी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को एज अ रिवीजन, पहले क्वेश्चन को समझो, थीम क्या है, कैसे करना है, और उसमें ही आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करो, तो ताकि आपको तुरंत तुरंत आप लोगों को कंसेप्ट ही याद होते ही चले जाए। अगर मैं पूरा सोल्व करा दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन आप लोग ऐसे सोल्व करके मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा ये, ठीक है। आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना। तो आप लोग कैलकुलेट करना थोड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ 5। क्या ये मोनोवेलेंट है O2? नहीं है ना, तो मोनोवेलेंट लिया करते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, माइनस CC, मतलब आपका कैटायन तो नहीं है, ओनली एनायन है, और एनायन का हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो +1, तो टोटल कितना हो गया, 6/2। 6/2 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। बात क्लियर है, ये आपका 6/2 मतलब कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, ठीक है ना। 3 जब आपका हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, sp2, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा sp2। आपके BOH थ्राइस के लिए कितना होगा बच्चों, यहाँ पर BOH थ्राइस के लिए भी हो जाएगा sp2, और इसके लिए आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर sp2। इसके लिए हो जाएगा sp2। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज। अब हमको दे देखना है x कंपाउंड इन विच 3 ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। x वो कंपाउंड है जिसमें तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में है। कितने ऐसे कंपाउंड है जिसमें 3 p और ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। अब y आपके जिसमें 2 है, एक y वाले में y लिख देता हूँ, x वाले को मैं x लिख देता हूँ जिसमें 3 है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 वाले ये कितने बच्चों, ये आपके टोटल है 4, ठीक है। और एक p और ऑर्बिटल वाला कितना है, z, ये वाला है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों, आप लोगों को दिया गया था x + y + z, तो x + y - z, तो आप लोग निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 5 + 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया आपका 8। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। ये तो क्वेश्चन को बड़ा करके कर दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमने किस तरीके से डील किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा ओवरलैपिंग से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच द कॉलम है, ठीक है ना, मैच द कॉलम है। ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका डेल्टा बॉन्ड है, और ये आपका नॉन बॉन्डिंग है। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, दो क्वेश्चन हर कंसेप्ट से रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट का एक बार इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dyz + py, यहाँ पर s + px, dyz, ये r, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, आर, ये हो गया पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है। dyz + dyz
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस प्लस एस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एस प्लस डी एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है बच्चों, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ब्रैकेट में ये क्या दिया गया है, आई एन ए, ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है आई एन ए, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हाँ, ये आपको बताना है कि पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा और सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनने वाला है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं बात को यहाँ पर कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दे दिया गया है वो एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान रखना, ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ऑन आई एन ए ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आई एन ए पे हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब उसके ऊपर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। उसके ऊपर कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लाई करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, पाई बॉन्ड आपका पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ये तीन चार बातें ध्यान रखो, पैरेलल ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। पैरेलल से दो ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये दो बात ध्यान रखो। और डेल्टा बॉन्ड आपका कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड आपका कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड आपका भी पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन वो एक अलग टाइप का पैरेलल ओवरलैपिंग से होगा, जिसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा डेल्टा बॉन्ड को अलग से लेके, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग ध्यान रखो, सबसे पहले एक पाई बॉन्ड होगा, एक आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपका कैसे बनेगा, सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड आपका वीक होता है। ये पॉइंट को ध्यान रखो, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको ध्यान रखो। अब हम एक बार देखते, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए या फिर मुझे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आइडेंटिफाई करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, आई एन ए और उसको एक्सिस को नाम दोगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर आई एन ए ड्रॉ किया, सबसे पहले के लिए जेड आई एन ए, जेड है, जेड एक्सिस है ये आपका। अब देखो जेड एक्सिस है, डी वाई जेड कहाँ होगा, डी वाई जेड कहाँ होगा। अब आपको ऑर्बिटल का नॉलेज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस करते तो आप लोगों को समझ में आता। चलो ठीक है, पहले मैं पी वाई की बात करता हूँ, पी वाई आपका ऐसे होगा। अब ये जेड एक्सिस है, अब ये आपका जेड एक्सिस है, तो वाई जेड कहाँ होगा। अब ये आपका जेड हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो डी वाई जेड ऐसा होगा, डी वाई जेड ये वाला है, ये आपका डी वाई जेड है और ये आपका पी वाई है, पी वाई ये हो जाएगा और डी वाई जेड ऐसा होगा, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब देखो ये आपस में कैसे, जब ये आपस में क्लोज जाएंगे तो कैसा ओवरलैपिंग करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंट्रैक्शन आपका कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर पैरेलल इंट्रैक्शन होगा। ये वाला इंट्रैक्शन कौन सा होता है, पैरेलल इंट्रैक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो आप, पैरेलल ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बच्चों, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपका ए का क्या होगा बच्चों, ए का आपका होगा, मतलब यहाँ से आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ये बात कन्फर्म हो गया। पहले हम एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, Y, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, आई एन ए मैंने ड्रॉ किया, देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y एक्सिस ड्रॉ किया। अब ये S और S, S की प्रॉपर्टी, S ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब वो सभी जगह उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर होती है। S ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी नॉन डायरेक्शनल होती है, सभी जगह उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो यहाँ पर S की प्रॉपर्टी सभी जगह सिमिलर है, नॉन डायरेक्शनल, ऐसा आपका क्या होता है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नेचर में नॉन डायरेक्शनल होता है एस और ऑर्बिटल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पी एक्स है, पी एक्स क्या आपके वाई के परपेंडिकुलर होगा ही सही, पी एक्स एक्स और वाई, ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ है पी एक्स का, पी एक्स ऐसा होगा वाई के, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा। अब इन दोनों में क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी,
यहाँ पर ओवरलैपिंग आपकी नहीं हो पाएगी, ना पैरेलल होगी, पैरेलल होने के लिए ऐसा कंडीशन चाहिए, और हेड टू हेड होने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन यहाँ तो आपका क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। यहाँ एक भी टाइप का आपका पैरेलल ओवरलैपिंग भी हम इसको नहीं बोल सकते, ना इसको हेड टू हेड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद एक को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसको मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने मान लिया एक्स। अब सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाना होता है एक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है, वाई जेड वाई जेड। क्या दिया हुआ है आपको, वाई जेड वाई जेड। अब आपको डी वाई जेड कहाँ होगा, डी वाई जेड आपके डी वाई जेड प्लेन पर होगा, डी वाई जेड प्लेन पर होगा। ठीक है, डी वाई जेड प्लेन पर होगा। तो अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस को सबसे पहले डी वाई जेड बना देता हूँ, डी वाई जेड बना दिया, और यहाँ पर भी मैंने दूसरा डी वाई जेड बना दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने दूसरा डी वाई जेड बना दिया। अब आप समझ सकते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों के बीच से पास होगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। अब देखो, पाई बॉन्ड में दो, पाई बॉन्ड में दो ऑर्बिटल, मतलब डी के दो ऑर्बिटल अगर आपके वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे, इसका मतलब वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर आपके डी के चारों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। इस चीज़ को ध्यान से समझो, डी के चारों लॉब्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया एक्स, ठीक है, और आपको डी वाई जेड पर मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया। ये आपका हो जाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये आपका हो जाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। नेक्स्ट आपको कौन सा, जेड वाला ऑर्बिटल। अब देखिए, जेड ऑर्बिटल को हम किस तरीके से देखेंगे, ये यहाँ पर आपको कौन सा बनेगा बेटा, डेल्टा। अब देखो, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है। अब देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड ले लिया, जेड मैंने क्या ले लिया बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले लिया यहाँ पर जेड, जेड एक्सिस मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया। और एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर। तो स्फेरिकल मतलब हर जगह नॉन डायरेक्शनल होगा, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ पर भी होगा। तो ये किस तरीके से होगा बच्चों, अब ये ओवरलैप करेगा तो कौन सा करेगा, हेड टू हेड कोलिजन करेगा, हेड टू हेड करेगा ये आपका। जब ये आपका हेड टू हेड करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों, ये आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। बात क्लियर है, अगला देख लेते हैं। अगला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा बच्चों, वाई है। अगला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका कौन सा बच्चों, यहाँ पर वाई है। तो सबसे पहले आई एन ए मैंने ड्रॉ किया, वाई एक्सिस। अब डी एक्स वाई कहाँ होगा, ये मैंने मान लिया एक्स है, तो डी एक्स वाई कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, यहाँ पर एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्या ये आपका बॉन्डिंग नेचर का होगा, क्या ये आपका बॉन्डिंग नेचर का होगा, क्या यहाँ पर आपका बॉन्ड होगा, ना तो ये पाई ओवरलैप करने वाला है, ना ही ये आपका सिग्मा। तो कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर आपका नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। अब देखो, एक दो बार अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा नॉन बॉन्डिंग करने वाला है, कौन सा नॉन बॉन्डिंग नहीं। इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग, इस टाइप के को बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। अब आप समझ सकते हो, पाई बॉन्ड के लिए पी, फिर सिग्मा के लिए एस, फिर डेल्टा के लिए आर, और नॉन बॉन्डिंग के लिए दो ऑप्शन निकलेंगे। दिस इज़ अ करेक्ट मैच द कॉलम क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ के करिए, हर कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमने एक बार कर लिए तो हमको सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन
कॉलम वन, कॉलम टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन ए आई ओ टू एफ टू माइनस, यहाँ पर आपको शेप दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए गए, शेप दिए गए हैं ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप दिए गए, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। और बी ऑप्शन दिया गया बच्चों आपको यहाँ पर आई ओ एफ फोर माइनस, इसका है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल शेप बोला गया इसका, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप आपका बोला गया है। अगला सी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर आपका ए सी ओ एफ टू, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में दिया गया है सी सो, कौन सा सी सो, सी सो शेप। अगला डी ऑप्शन हमको दिया गया है बच्चों एक्जी ओ एफ टू, एक्जी ओ एफ टू मतलब हमको दिया गया यहाँ पर टी एस बेंट टी शेप्ड, ठीक है, बेंट टी शेप्ड, ठीक है, ये आपको दिया गया है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, आप लोगों को इतना सा बताना है, ठीक है। तो इतना सा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, अब हम क्वेश्चन को डील करना सीखते हैं। देखो यहाँ पर हमको कुछ दिया गया है, ठीक है, अब हमको क्या बताना है, शेप बताना है, ठीक है ना, शेप बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स हमको समझने पड़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। अब देखो शेप एंड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, देखो इन ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री वी विल वी हैव टू कंसीडर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अगेन। तो हमको इन दोनों में क्या कंसीडर करना है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करके ज्योमेट्री बतानी होती है। लेकिन इसमें शेप में हमको केवल और केवल ओनली ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना होता है, ओनली किसको कंसीडर करना होता है, बॉन्ड पेयर को, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लोग जानते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपका स्ट्रक्चर, अगर आपका ज्योमेट्री, अगर आपकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल हुई, अगर आपकी ज्योमेट्री क्या हुई बच्चों, टेट्राहाइड्रल, अगर आपकी ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहाइड्रल। अब देखो ज्योमेट्री मैंने बता दी टेट्राहाइड्रल है, तो टेट्राहाइड्रल में तीन केस आपके पॉसिबल है, या तो आपका ऐसा बन जाए ए बी बी, यहाँ पर ए बी 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 एक लोन पेयर हो जाए, या तो आपके कितने लोन पेयर हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए, ठीक है, बी बी। अब देखो अगर मैं बोलना चाहूँ कि इसकी ज्योमेट्री कितनी होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और इसका शेप भी क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल बोलोगे, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों आप लोग टेट्राहेड्रल बोलोगे, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या बोलोगे, ज्योमेट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप में हम ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते तो लोन पेयर को भूल जाओगे, तो क्या होगी बेटा इसकी पिरामिडल, इसकी कितनी होगी बच्चों, पिरामिडल, और इसकी कितनी होगी, वी बेंट। इसका शेप आपका चेंज हो सकता है, शेप आपका चेंज हो सकता है, इसका होगा वी बेंट, इसका होगा बच्चों आपका शेप पिरामिडल, इसका शेप क्या होगा बच्चों, पिरामिडल, बात क्लियर है, इसका शेप क्या होगा बच्चों आपका, पिरामिडल। इस चीज़ को आपको समझना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग एक बार कोशिश करिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफाई समझ में आपको आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। एक दो बार आप समझिए शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस मैंने बताया, किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका शेप होगा पिरामिडल, उसका शेप होगा वी बेंड, ठीक है। अब देखो अब हम क्वेश्चन के थ्रू वो एनालिसिस कर लेंगे कि किसका कितना शेप होगा, मैंने आपको कॉपी में भी लिखवा रखा है,
आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको शेप निकालने के लिए SN नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, SN नंबर। ज्योमेट्री या शेप निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, SN नंबर। तो SN नंबर कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके मैंने बताए थे, दो तरीके। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने SN नंबर ही कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको, सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने SN नंबर कैलकुलेट किया। तो SN नंबर कैलकुलेट करते बच्चों हम लोग, जल्दी से बोलो इसका कितना होगा। सबसे पहले इसका फटाफट निकाल लेते SN नंबर। हम ऐसा SN नंबर हम इस तरीके से निकालते हैं जिससे हमको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का पता पड़ जाए। तो हम दूसरे मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम SN नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों, इसका होता है 7 + 2 × 6 + 7 × 2 + 1। कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू, कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2 मतलब यहाँ पर +12 + 14 + 1, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 8 + 12 + 14। अब आपको 8 यह दोनों मिलके कितने हो, आपके हो गए 26 + 8 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 26 + 8 आपका हो जाएगा 34। अब आपको TVE डिवाइडेड बाई क्या करना है बच्चों, 8 करना है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 34 / 8 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और 2 आपका रिमाइंडर बच्चे बचेगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोन पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोन पेयर। अब SN की वैल्यू किस निकालते हैं, SN इक्वल टू बोन पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा बच्चों, ये जल्दी बोलो, 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब देखो 5 SN, अगर SN की वैल्यू 5 होती है, मैं आपको बता देता हूँ, SN की वैल्यू 5 होगी, SN की वैल्यू 6 होगी तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अब देखो SN की वैल्यू 4 हुई तो आपका ऐसा बनेगा टेट्राहेड्रल, ये सेंट्रल एटम, ये आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, ये आपके सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है। अगर मैंने बात किया यहाँ पर, ये आपके सेंट्रल एटम होंगे, सेंट्रल एटम से चार एटम इस तरीके से आपके जुड़े हुए रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मैंने SN की वैल्यू 5 बात की तो इसका मतलब आपका इस तरीके से होगा, यहाँ जुड़ा रहेगा, यहाँ एक जुड़ा रहेगा, यहाँ एक जुड़ा रहेगा, यहाँ एक जुड़ा रहेगा, यहाँ एक जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर मैंने SN वैल्यू 6 मान ली तो क्या होगा बच्चों, इस तरीके से आपका होगा, और एक इस तरीके से, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं आपका ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस क्वेश्चन के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैक्सिमम इतनी ही कई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो आपकी ज्योमेट्री बताई है, ये मैंने आपको क्या बताई है बच्चों, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है। अब हम समझेंगे, अब इसकी एक खास बात जान लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और ये इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। अब ध्यान रखना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होती है इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है आपकी किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से, एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा होती है किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से, इस चीज़ की ध्यान रखो। ये बॉन्ड लेंथ की बात है यहाँ पर, ठीक है, और कोशिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली हम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम कहाँ रखें, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम एक्सियल पोजीशन पे रखें, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम कहाँ रखें, एक्सियल पोजीशन पे रखें, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे आप लोग कहाँ रखोगे, एक्सियल पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको बनाना है। तो अब देखो पाँच वाला स्ट्रिक नंबर 5 वाले का आपका ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो बनाओ ऐसे, ये मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। अब आपके स्ट्रिक नंबर 5 में क्या है, एक लोन पेयर है, तो इस वाले कंडीशन में
क्या होता है, स्टेट नंबर पाँच में लोन पेयर ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट आपको कहाँ प्लेस रखना पड़ता है, इक्विटोरियल पॉइंट पर। तो लोन पेयर को इक्विटोरियल पॉइंट पर रख दिया, देखो मैंने। और बाकी किससे जोड़ना है बेटा, ऑक्सीजन कितने, दो ऑक्सीजन है ना, तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ऑक्सीजन आपके डाइवेलेंट होते हैं तो वो आपके डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। बीच में कौन हो जाएगा बच्चों, आपका आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और ये लोन पेयर एक्चुअली लोन पेयर नहीं है, ये एक्चुअली माइनस चार्ज की वजह से आया। ये एक्चुअली किसकी वजह से आया बच्चों, माइनस चार्ज की वजह से। तो एक को मैंने डॉट, एक को मैंने क्रॉस बना के दिखाया है। फिर से मैं बता देता हूँ, एक को मैंने डॉट बनाया, एक को मैंने क्रॉस बनाया है। क्यों बनाया, वो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी इसकी हुई ट्राइगोनल प्लेनर बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बाईपिरामिडल। लेकिन अगर मैं इसका शेप निकालना चाहूँ तो शेप आपका कैसा है, शेप में हम किसको कंसिडर करते केवल और केवल बॉन्ड पेयर को, तो इसको हटा देंगे तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों, इसका शेप आपका हो गया के शेप्ड। इसका शेप आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका के शेप्ड। बात क्लियर हुआ, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है। अब मैं अगला क्वेश्चन तो इसका शेप होगा के शेप्ड। और इसके अलावा भी बचपन में आप लोगों ने सीसो खेला होगा, उसी सीसो आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ कोई बैठता है, यहाँ कोई बैठता है और एक यहाँ कोई बैठता है, तो इस तरीके से होता है आपका सीसो। अब इस तरीके से आपका सीसो होता है तो इसी तरीके से आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या, कौन सा बोल देते हैं, एक सीसो भी बोल देते हैं। कौन सा बोल देते हैं हम इसको, सीसो भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया फंड यहाँ पर कंसेप्ट। अब हम अगला देख लेते हैं, अगले का क्या बनेगा उस तरीके से हम देखेंगे। जो जो कंसेप्ट इसमें मैंने पूरे नोट्स के कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ बट बेटा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, पूरे नोट्स के कंसेप्ट मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। अब देखो बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आई ओ एफ फोर माइनस। तो आई ओ एफ फोर माइनस कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आई ओ एफ फोर माइनस में सबसे पहले टी वी निकालो। टी वी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका आई का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 4 × 7, 4 फ्लोरीन है, एक हेलोजन का 7, तो 4 हेलोजन का 4 × 7। और माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये 7 × 4 = 28 प्लस 6 कितना हो गया, 28 प्लस 6 आपका हो गया, हो जाएगा 34। और यह आपका 34 प्लस 8, 7 प्लस 1 को एक साथ ले लिया, 34 प्लस 8 आपका कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 42। ये आपका हो गया 42। अब हमको क्या करना है बच्चों, टी वी ई डिवाइडेड बाई 8 करना है। तो 42 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो क्या बचेगा, 5 आपका क्वेश्चेंट बच जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर को इक्वल टू 1 कर दिया। अब देखो रिमाइंडर से आपका क्या आ जाता है, रिमाइंडर से आपका आ गया बच्चों यहाँ पर क्या, लोन पेयर। और इससे क्या आ गया बच्चों आपका, बोन पेयर। अब कैलकुलेट करो, स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बोन पेयर प्लस लोन पेयर। अब बोन पेयर कितना है बच्चों, यहाँ पर 5, और लोन पेयर कितना है 1, टोटल कितना आ गया 6। अब स्टेरिक नंबर 6 हो गया तो क्या होगा शेप आपका, जल्दी बोलो, ऑक्टाहेड्रल मुझे वैसा बनाना पड़ेगा। तो बना देते हैं, आई को सेंट्रल एटम मानते हैं और मैं वैसा बना देता हूँ, सबसे पहले वैसा ही बना देता हूँ। अब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे एक लोन पेयर को प्लेस करना है, तो लोन पेयर को प्लेस कर देता हूँ मैं कहीं पर भी, लोन पेयर को मैं कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ। तो लोन पेयर को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, लोन पेयर को मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये लोन पेयर यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो लोन पेयर किसकी वजह से आया बच्चों, यहाँ पर भी माइनस चार्ज की वजह से। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आई ओ एफ फोर है, तो सारे एफ मैंने लगा दिए इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है ना, इसलिए डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। अब ये शेप आपको कैसा दिख रहा है बच्चों, आप देख सकते हो एक स्क्वायर है, उससे पिरामिड लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके से हमको शेप का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी लोन पेयर होता तो हम क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल शेप। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन SeO2। अब देखो SeO2 क्या हो जाएगा,
SEO F2 वाला देख लेते हैं बच्चों। शेप कैसे निकालना है अब आपको समझ में आ गया होगा, शेप कैसे निकालना है अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी शेप के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको पूरा बता दूंगा किस में कौन सा शेप होगा, बस आपको कैलकुलेट करते रहना है। अब देखो यहाँ पर SEO F2, अब SEO F2 को हम कैसे डील करेंगे, बस आपको थियोरी याद रखनी है, थियोरी इसमें ध्यान रखना है कि किस में कौन सा शेप बनेगा। अगर आपने उतना ध्यान रखा तो बाकी सब आपको अपने आप आ जाएगा। अब देखो SEO F2 में कैसे करेंगे डील, देख लेते हैं सिंपल। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। AC का कितना होगा बच्चों, AC का अगर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो कितना होगा आपका, 6 होगा। AC आपका ऑक्सीजन फैमिली में 6, ऑक्सीजन का 6 और इसका 2 × 7 कितना हो गया 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26। अब क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, कर दीजिए, वही तरीका अपनाना है बस। तो कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका 3 और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका खुश, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा बोन पेयर, ये आ जाएगा लोन पेयर। लास्ट वाला आपको खुद से करना है, लास्ट वाला आपको खुद से करना है और मुझे फोटो भी भेजना है, ये आप करते जाओ आपस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोन पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू कितना होगा 3 + 1 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर अब ये आपका 4 हो गया। अब जब ये आपका 4 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका कितना हो गया, देखो 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 4 के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेते हैं हम पहले, सबसे पहले। और सेंट्रल एटम कौन है, AC है, AC का निकाला ना हमने सब कुछ, ये AC हो गया। अब देखो यहाँ से हमको, अब आपको पता पड़ रहा है कि एक लोन पेयर की जगह है, तो सबसे पहले एक लोन पेयर की जगह डाल दो। उसके बाद एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और यहाँ पर फ्लोरीन होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा। तो ये कैसा शेप बन गया, शेप मतलब लोन पेयर को हटाना है, कैसा दिख रहा है, पिरामिड। और वैसे आपका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये आपका ज्योमेट्री आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और आपका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका पिरामिड। शेप क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आपका पिरामिड, पिरामिडल। तो यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल बोल देंगे, मतलब ट्राइंगल बन रहा है नीचे, ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट वाला आपको करना है, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई मारना है, आप लोगों से हो जाएगा। खुद से एक बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा बेंट टी शेप। एक बार आप लोग ट्राई मारो, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई मारो बेंट टी शेप की कैसे होगा, जब यहाँ पर आपके दो लोन पेयर होंगे। अब आप ट्राई मारोगे तो अब आपको तुरंत आ जाएगा, एक बार कोशिश करोगे तुरंत आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे फिर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गिवन मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गिवन मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझना। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या क्या है, आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाई गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या क्या है बच्चों, कंडीशन है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपकी कंडीशन है बच्चों कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम शुड बी हाई। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन एटम पे क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा,
ठीक है। और हाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, बातों को ध्यान से समझना, हाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना पड़ेगा, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो क्या होगा, फॉर हाईली डेल्टा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज हाइड्रोजन एटम विल हैव टू अटैच, विल हैव टू अटैच विद फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, तो एच के ऊपर प्लस चार्ज को ज़्यादा कैरी करेगा, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, नियर एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब नियर एटम के पास आपका क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे लगाएंगे, अगर नियर एटम के पास अगर लोन पेयर और माइनस चार्ज हो तो वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, मतलब नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर हो तो वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन अगर H प्लस चार्ज, मतलब इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होगा, तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चीज़ का ध्यान रखो, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपके वैसे ही और ऑर्बिटल के बीच होगा जिसके बीच एनर्जी गैप कम हो, तो बॉन्डिंग इज फेवरेबल बिटवीन दोज ऑर्बिटल विच हैज लो एनर्जी गैप। लाइक अगर मैं सोचूं कि अगर मेरा 1s और 5s के बीच नहीं बनेगा, 1s और 3s के बीच नहीं बनेगा, 1s और 3p के बीच नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं सोचूं 1s और 2p के बीच बन जाएगा, 1s और 3p के बीच नहीं बनेगा, 1s मतलब ये तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो 1s ही होगा, और किस किस के बीच बन रहा है आप देख सकते हो, 2s 2p के बीच, इसीलिए आपका समझ सकते हो आपको केवल 1s और 2p, 1s और 2s इतना ध्यान रखो काफ़ी है, इन्हीं के बीच बनता है, इसके अलावा कहीं नहीं बनता, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन तो आपका 3p में जाता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आपका कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गिवन मॉलिक्यूल। पहला है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सेकेंड क्वेश्चन है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। थर्ड है आपका मैलिक एसिड, ठीक है। फोर्थ है आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिफ्थ है आपका अल्कोहल इन वाटर। सिक्स्थ है आपका बच्चों NH3 इन वाटर, ठीक है। और फिफ्थ है आपका, सेवन्थ है आपका HF इन HF, एट्थ है आपका HF इन वाटर। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना, इनका आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, ठीक है। और आपको बताना है कि किस टाइप का है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखो,
यहाँ पर हम टाइप लिख देंगे इसका, और यहाँ हम बॉन्डिंग को परफॉर्म करेंगे, बॉन्डिंग को बनाएंगे, ठीक है ना। बॉन्डिंग को हम देख लेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हम मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला हमारा बॉन्डिंग के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा बच्चों? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये ऐसा होगा। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारा, वो पॉजिटिव प्लस चार्ज प्रेजेंट होना हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? पॉजिटिव प्लस चार्ज। और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? लोन पेयर है। अब लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात आपको क्लियर हुई? देखो पॉजिटिव प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन, और ये आपका हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन आपका किससे अटैच होना चाहिए? ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आपका करेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका कौन सा है? सेकंड आपका है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिकहाइड कर लो इसको, सैलिसिलिकहाइड, ठीक है। सैलिसिलिकहाइड। अच्छा सैलिसिलिकहाइड में क्या होगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन में देखो सैलिसिलिकहाइड कुछ ऐसा होगा बच्चों आपका, ऊपर OH, यहाँ पर COH। अब देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? थोड़ा देखते हैं। H एटम शुड बी हाई प्लस चार्ज वाला, और H एटम किसके साथ अटैच आपका होना चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ H एटम किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। तो जैसे ही यहाँ से आपका H निकलेगा, ये पार्शियल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होगी? यहाँ पर आपकी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है? सेकंड, थर्ड आपका कौन सा बच्चों? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका, ये आपने डीके सिंह में पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? अब देखो इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कार्बोक्सिलिक का। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक जगह H प्लस की रिक्वायरमेंट है, और एक जगह हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब क्या होगा बच्चों? बातों को ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं O से H प्लस को बाहर निकाल लिया, यहाँ से मैंने H प्लस को बाहर निकाल लिया। अब देखो ये क्या करेगा, ये अपने यहाँ से H प्लस है, यहाँ पर जो H है उसके पास क्या है बच्चों? पार्शियल प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से आप ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे परफॉर्म हुई? एक हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे परफॉर्म हुई बच्चों? एक हाइड्रोजन निकालने के बाद हुई, और पहले में हाइड्रोजन नहीं निकाल रहे थे। थोड़ा ध्यान रखना है इसका। तो इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर है, इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर है, इसमें आपका क्या है? इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है। इसमें भी आपका इंट्रामोलिकुलर है, मतलब मोलिकुलर के अंदर। अब इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये वाला भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में हमारा कैसे होगा बच्चों? अब आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये मैंने बना दिया COOH, और यहाँ पर OH। अब देखो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबसे पहले एसिड अपना H प्लस निकालेगा पार्शियल H प्लस से, और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज, अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस पर प्लस चार्ज होगा, और ये इसको डोनेट करेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तरीका इस चीज़ को समझ लेना आप लोग, इसमें H निकालने के बाद होगी। तो इसका मतलब ये भी आपका कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन, ये आपका होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल इन वाटर, तो फिफ्थ में एल्कोहल इन वाटर है, तो एल्कोहल बना दिया मैंने, अब यहाँ पर मैंने वाटर बना दिया। अब देखो यहाँ पर समझ सकते हो बच्चों, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा,
और ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो एल्कोहल इन वाटर यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कंसेप्ट है उसी तरीके से चल रहे हैं हम लोग, नया कोई कंसेप्ट नहीं है। NH3 इन वाटर, तो देखो यहाँ पर NH3 इन वाटर में सिक्स्थ में सिंपल कंसेप्ट से बताता हूँ मैं आपको, NH2H+, ये आपका H+ है, पार्शियल H+। अब ऑक्सीजन का मतलब H2O को मैंने ऐसे लिख दिया, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर है, सिक्स हो गया। अब देखो सेवन्थ में बात करते हैं, HF से HF, सेवन्थ में HF। अब देखो यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है और ये अपना लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है ये अपना लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है और ये अपना लोन पेयर इसको देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन तीनों में आपका कौन सा बनेगा, इन चारों में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात को ध्यान रखो, ठीक है। इंटरमोलिकुलर, अब देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका क्या होता है, ये बात इस कंसेप्ट में यहाँ तक समझ लेना है, इसको यहीं पर मैं बता देता हूँ। इसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है, और इसकी वजह से आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। आज बच्चों हमने 5 से 6 क्वेश्चंस किए, अब उसमें हमने कौन कौन सा सीख लिया है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया है, आपका ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन सीख लिया है, शेप वाला सीख लिया है, ठीक है। एक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सीख लिया है, एक हमने ओवरलैपिंग से रिलेटेड सीख लिया है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइनल, फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर हम, हाँ यहाँ पर मैच द कॉलम कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कॉलम वन एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉलम टू, ये हो जाएगा आपका 1.30 ए बी सी डी 1.312 1.55 1.562 1.70 1.712 2.0 ये पी NO3 माइनस क्यू Cl4 माइनस आर PO4 3 माइनस एस Cl3 माइनस टी SO4 2 माइनस, ठीक है, ये आपका है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे सिंपली। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हमारे पास क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर हम दो तरीके से निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम कितने तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से। सबसे पहला हम निकालते हैं MOT से, लेकिन MOT से जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो हम किसका निकालेंगे, केवल और केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। यहाँ पर सारे के सारे क्या है बच्चों, पॉली एटॉमिक, तो यहाँ से हम किसे निकालेंगे बच्चों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालना पड़ेगा। यहाँ हमको किसका निकालना पड़ेगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर आपका रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस। अगर यहाँ पर रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा तभी हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब ये है, यहाँ पर फ्रैक्शनल है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका रेजोनेंस जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ एक और फॉर्मूला। देखो यहाँ पर वैलेंसी ऑफ
वैलेंसी ऑफ सैड एटम प्लस चार्ज ऑन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई यहाँ पर नंबर ऑफ सैड एटम। ये हो जाएगा बच्चों आपका सिंपल, ऐसे निकालना है उसको, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले केवल और केवल इसके लिए, ये वाला इसके लिए होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कल के क्लास में MOT वाला। अब देख लेते हैं एक एक करके फटाफट, अब हम इसका निकालते हैं, ठीक है। NO3 वाले में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, NO3 वाले में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ लेना। अब देखो NO3 वाले में वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ पर NO3 माइनस का मतलब ये ऐसा, यहाँ पर एक बना देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर एरो लगाएं। ये एरो की वजह से हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की वजह से हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाते। अभी देखो तुम लोग अगर डायरेक्टली अगर मॉलिक्यूल दे देख के इस पर चार्ज लिखते तो क्या लिखते, -1। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन वाले के ऊपर चार्ज कितना आएगा, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाते ही मुझको ऐसा लिखना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2 होगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें, अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें। अब इसका मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। देखो एक बार आपका ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी से बनाओ। एक बार आपका रेजोनेंस ऐसे होगा, अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर हो जाएगा O माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो अब देख लेते बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, बताओ अब O माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। अब अगले स्टेप में फिर से मैंने अगर रिपीट किया तो मेरा कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया स्ट्रक्चर 2, ये हो गया स्ट्रक्चर 3, ये 3 स्ट्रक्चर आपके हो गए। अब देखो सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए बच्चों, सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड फॉर्म हुए, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड डिवाइडेड बाई कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर है आपके, 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.33। ये मैंने इस मेथड से बताया, बाकी सब भी आप लोग उसी मेथड से, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से, अब बाकी सब में आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। NO2 में NO3 माइनस में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्पीसीज होंगे उसमें ये वाला मेथड नहीं लगाना। कल मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफिकेशन हमको करना है, ठीक है। कल मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चन भी आपको लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, Cl4 का सिंपल निकालते हैं हम, Cl4 माइनस का उस तरीके से। तो वैलेंसी ऑक्सीजन की 2, यहाँ पर कितना होगा -1/4, कितना हो गया 2 -1/4, मतलब कितना आ जाएगा 1.75। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.75। अब हम देख लेते हैं किसका, PO4 3 माइनस का, 2 + -3/4 कितना होगा 2 - 0.75, कितना हो जाएगा 1.25। इसका आंसर आ गया, इसका क्या आ जाएगा 1.25। अब देखो अगला देख लेते हैं Cl3 माइनस का हम कैसे निकालेंगे, 2 + -1/3 कितना हो जाएगा 2 - 1/3, कितना हो गया बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.66, इसका हो गया 1.66। अब देखो SO4 2 माइनस का हम उसी तरीके से निकाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना, वो लिख रहे हैं 2 + -2/4 कितना हो जाएगा 2 - 2/4 मतलब 1.5, तो इसका 1.5। अब आपको निकालना है आंसर क्या होगा, तो देखो 1 से 1.30 के बीच में कौन कौन जा रहा है बच्चों, 1 से 1.30 के बीच में एक ये जा रहा है बस, 1.31 से 1.55 के बीच में ये जा रहा है एक आपका ये जा रहा है, नेक्स्ट इन दोनों के रेंज के बीच में ये है, और इन दोनों के रेंज के बीच में एक आपका Q है।
तो बच्चों ये था हमारा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोगों को समझ लेना है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कल हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और एमओटी, कल हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और एमओटी और साथ में बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसके बाद जगह जो लेक्चर है वो एमओटी, बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और बॉन्ड एंगल एप्लीकेशन पर डिपेंड होगा। और उसके बाद से बाद का लेक्चर मतलब उसके बाद का लेक्चर हम लोग जस्ट आपके फजान रूल, फजान रूल, आयोनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट, इससे रिलेटेड पे लेंगे। ठीक है, तो आज हमने इतना किया कि वीबीटी कर लिया, ओवरलैपिंग समझ लिया, फिर हमने ओवरलैपिंग समझ लिया, पाई समझ लिया, नॉन बॉन्डिंग समझ लिया, हमने उस टाइप की ओवरलैपिंग समझ ली, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया, स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, शेप बनाना सीख लिया, तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो हमने सीख लिया। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला जुझला के हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Okay.